हेलो पॉकेट ट्रेनर्स, कैसे हो। स्वागत है पॉकेट स्टॉप के एक नए वीडियो में। तो गाइज, आज का वीडियो कोई टिप्स एंड ट्रिक्स भी नहीं है और कोई इवेंट का अपडेट भी नहीं है। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है। मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जहाँ पर आपको शाइनी नेस्ट मतलब शाइनी पोकेमोन का नेस्ट मिल सकता है। अच्छा अच्छा कोऑर्डिनेट मिलेगा जिससे आप किसी भी पोकेमोन का शाइनी वर्सन पकड़ सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही एक ईजी फंडा है। बहुत लोगों को शाइनी नहीं मिलता। वो लोग अगर किसी भी यूट्यूबर को देखते हो कि अरे भाई इसके पास तो बहुत शाइनी है, तो आपको भी वो शाइनी चाहिए। तो कैसे सब लोग कैसे शाइनी पोकेमोन पकड़ते हैं, ठीक है, उसका एक मैं छोटा सा एक फंडा बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपने उस वेबसाइट को अच्छे से फॉलो किया, अच्छे से उस वेबसाइट में काम किया, मतलब थोड़ा सा कोऑर्डिनेट के ऊपर काम किया, तो आपको भी शाइनी मिल जाएगा। डेली मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपको अच्छा शाइनी मिल सकता है। बहुत सारा पोकेमोन का आपको नेस्ट मिलेगा, अच्छा अच्छा कोऑर्डिनेट मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखो, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, चैनल में अगर नए हो तो चैनल को जाके अब भी सब्सक्राइब करो और वीडियो में लाइक कर दो। और एक बात गाइज, मैं जो आपको बताने वाला हूँ, तो गाइज मेरा ये चैनल 1 मंथ कम्प्लीट हो चुका है। आज ही कम्प्लीट हुआ है 1 मंथ। तो जब भी मैंने ये YouTube चैनल खोला था तभी मेरा एक टारगेट था कि 1 मंथ में मुझे कैसे भी करके 50 सब्सक्राइबर चाहिए। और आप लोग इतने अच्छे हो कि 50 सब्सक्राइबर आपने 1 मंथ में कंप्लीट भी कर दिया, इसलिए बहुत थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी मेरे चैनल में सब्सक्राइब किया है। तो गाइस चलो शुरू करते हैं। तो गाइस यही है वो वेबसाइट जिसका नाम है एयर स्पूफिंग। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अभी मैं इसका फीचर्स आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर आपको बहुत सारा पोकेमोन का ऐसे नेम दिखेगा जहाँ पर आप इसका कोऑर्डिनेट ढूंढ सकते हो। अब आपको कैसे कोऑर्डिनेट ढूंढना है वही मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हर एक जनरेशन का पोकेमोन है, मतलब सिर्फ एक जनरेशन का रहेगा नहीं, हर एक जनरेशन का आपको इधर पोकेमोन मिल जाएगा। और शाइनी नेस्ट का जो कोऑर्डिनेट है वो भी मिलेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा देर रुको। तो पहले मैं ऊपर जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे आपको फंक्शन करना है। पहले तो पहले आप डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा पोकेमोन पहले पकड़ना है। ठीक है, कौन सा पोकेमोन का आपको नेस्ट चाहिए वो पहले आपको डिसाइड करनी है। ठीक है, आप जैसे मुझे मान लो कि चाहिए बी ड्रिल। ठीक है, तो आप थोड़ा सा जूम भी कर सकते हो, इधर जूम करने का भी ऑप्शन है, आप लोग देख लो। जूम करके आपको बी ड्रिल में क्लिक करना है, ऐड आएगा, ऐड को स्किप कर देना है। उसके बाद देखो थोड़ा नीचे अगर जाओगे यहाँ पर बी ड्रिल का आ चुका है जहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट मिलेगा। उसमें गारंटी नहीं है कि आपको शाइनी मिलेगा, लेकिन आपको नेस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आपको थोड़ा सा ढूंढ के शाइनी निकालना है। ठीक है, जैसे देखो बी ड्रिल का आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो प्रीमियम है। प्रीमियम में आपको क्लिक नहीं करना क्योंकि ये पेड वर्शन। पेड वर्शन में क्या होता है, आपको इसमें मतलब पैसा खर्च करना पड़ता है, तो मैं पेड वर्शन को बिलीव नहीं करता, तो पेड वर्शन में मैं लेना भी नहीं चाहता। और मैं आपको बोलना भी ये चाहूँगा कि आप भी पेड वर्शन मत लो, तो पहले आप यूज़ कर लो अच्छे से, बाद में अगर अच्छा लगा तो आप पेड वर्शन खरीद लेना। तो फिलहाल उस पोकेमोन का नॉर्मल तो नहीं है, वो पेड वर्शन में है, तो आपको हर एक पोकेमोन का मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि हर एक पोकेमोन का ही पेड वर्शन होगा, पेड से ज़्यादा इधर फ्री मिलता है गाइस, पेड से ज़्यादा इधर फ्री मिलता है। अभी देखो मुझे जैसे मैंने आपको एक पोकेमोन दिखा दिया, अब एक ऑप्शन है इधर, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ ऊपर जाने के बाद। रुको, ऊपर जाने के बाद देखो यहाँ पर 3 डॉट है, आपको वो 3 डॉट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर देखो एक आपको शाइनी रेट मिलेगा, इस शाइनी रेट ऑप्शन में क्लिक करना है। इधर से आप क्या कर सकोगे, आपको कोऑर्डिनेट मिलेगा। ठीक है, अभी मैं इधर से थोड़ा सा एक पोकेमोन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मान लो कि मैंने रुको जियोडूड, हाँ जियोडूड को मैंने सिलेक्ट कर लिया, वो जो रेड वाला ऑप्शन है उसमें आपको क्लिक करना है। अब देखो इधर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एस्टीमेट शाइनी रेट, इसका मतलब क्या है, 691 जियोडूड में एक शाइनी होने का चांस रहता है। मैंने आपको बहुत दिन पहले ही एक वीडियो में बताया था, जो बंदे वो वीडियो देखे हो उन सबको पता होगा कि बहुत सारा क्लिक में एक शाइनी मिलता है। मान लो कि लगभग 700 जियोडूड अगर एक साथ रहे किसी भी जगह पे, वहाँ पर एक शाइनी निकलने का चांस रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि 691 आपको जियोडूड ढूंढना है उसके बाद जाके एक मिलेगा, ऐसा नहीं, आपको पहले भी मिल सकता है और बाद में भी मिल सकता है, लेकिन ये एक रेशियो है, मतलब इतना पोकेमोन में एक शाइनी रहने का चांस रहता है। अब देखो आपको कोऑर्डिनेट कैसे देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्लू वाले देखो जियोडूड जो रेड में लिखा हुआ है वो नॉर्मल है, और जो ब्लू वाले हैं वो
शाइनी, वहाँ पर शाइनी आपको मिल सकता है, ठीक है। रेड में आपको शाइनी नहीं मिलेगा जैसे ब्लू में। अब आपको यहाँ पर जो शो वाला ऑप्शन है उसमें क्लिक करना है। देखो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट दिखाएगा, तो आपको सिंपली वो कोऑर्डिनेट को कॉपी करनी है और पीजी शॉप या कोई भी ऐप जो आप यूज़ करते हो वहाँ पर जाके पेस्ट करना है, बस इतना ही सिंपल, और कुछ नहीं करना। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है गाइज, आपको दिन में सिर्फ दो कोऑर्डिनेट मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपने खरीद लिया फिर आपको मिलेगा, लेकिन दो से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान से समझ के कोऑर्डिनेट लेना है। अब देखो यहाँ पर ये दूसरा एक पोकेमॉन का है जिसका अभी तक अवेलेबल नहीं है, ठीक है, टेंटाकूल। लेकिन देखो ये बहुत ही ईजी है, 293 में एक शाइनी। तो गाइज ये बहुत ही एक अच्छा वेबसाइट है, आपको भी फॉलो करना है। आपको सिर्फ सिंपली क्या करना है, कोऑर्डिनेट को लेके किसी भी ऐप जो आप यूज़ करते हो स्पूफिंग के लिए उसमें पेस्ट करना है और वहाँ पर जाके ढूंढना है। ऐसा कोई मतलब नहीं कि कोऑर्डिनेट मिल गया उधर आपको शाइनी मिल जाएगा, नहीं, लेकिन आपको बहुत ढूंढना है, ढूंढने से आपको शाइनी मिल जाएगा, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल में सब्सक्राइब कर देना। अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 150 सब्सक्राइबर, मतलब 150 आपको कंप्लीट करना है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।